करनाल के बूढ़ा खेड़ा में दिन दहाड़े घर में लूट हो जाती है। हथियारबंद घर में मौजूद महिला और बच्चे को बंधक बनाते हैं और लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। बदमाश अपने साथ सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी लेकर चले गए। ये अपना महिंद्रा स्कूल वाले हमारी चाची हैं जी। तो पुलिस आई है हाँ जी। तो क्या पता चला था आपको सुबह? जो पता चला एकदम रौला पड़ गया जी। अच्छा जी, चोरी हुई। तो मतलब बंदूकों की नोक पे आए थे तीनों? तो क्या काफी कुछ ले गए हैं? हाँ जी काफी। तो पुलिस की टीम में पहुंची? कम से कम 20-30 तोले सोना ले गए हैं। और तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बलविंदर। सर क्या बताना चाहेंगे बुड्ढा खेड़ा गांव में जो डकैती हुई है उस बारे में? डकैती के बारे में क्या बताएंगे, तो पहले अपना मान साहब के घर पे हुई, उसके साथ मेरे साथ 2-2.5 महीने हुए हैं अभी, तो यहाँ शुरू हो गया काम। तो ये सेफ्टी तो कुछ भी नहीं रही यहाँ पे, घर पे बच्चे को अगर किया तो कोई रह ही नहीं सकता यहाँ पे। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो क्या सेफ्टी है? कोई अपने आप को सेफ समझेगा? कोई अपने आप तो बंधक बनाकर लूटपाट कर बनाकर हाँ कमरे में बंद करके कैश और ज्वेलरी लेकर निकल गए। किनका घर है ये? रविंदर को। तो चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। सुबह सुबह हुआ है आज? सुबह 8 बजे। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। पुलिस और CIA की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। घर में बिखरा ये सामान इस बात का अंदेशा जताता है कि घर में बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह 8 बजे थे, घर के लोग काम पर चले गए थे, घर के बच्चे स्कूल चले गए थे और एक महिला स्कूल में पढ़ाने के लिए। घर में सिर्फ एक महिला और एक बच्चा मौजूद था। हथियार बंद बदमाशों को इस बात का इल्म था कि घर में ज्यादा लोग नहीं है और घर में भारी मात्रा में सोना और नकदी रखी हुई है। 3 बदमाशों ने घर पर धावा बोला, घर वालों को बंधक बनाया और घर से लाखों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। साथ ही घर में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। घर के लोग इतने सहमे हुए थे कि मीडिया के सामने भी उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। पुलिस को इस वारदात की जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की आला अधिकारी CIA की टीम FSL की टीम मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने की कोशिश में जुट गई। करनाल में पहले भी ऐसी वारदात हुई है जिसमें घर में बंधक बनाकर डकैती करके बदमाश फरार हो जाते हैं। इस वारदात के पीछे गांव का ही कोई भेदी हो सकता है। फिलहाल पुलिस जांच में तो जुट गई। हाउस नंबर 262 महिंद्रा पब्लिक स्कूल के पास पड़ता है और यहां पे माता जी हरविंदर को उनके घर एक इंसिडेंट हुआ है, रॉबरी का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। तो इनकी एप्लीकेशन लेके आगे फर्दर हम इसको इन्वेस्टिगेशन को टेक अप करते हैं। तो कितने लोग थे सर, किस पे आए थे? इन्वेस्टिगेशन के लिए हाथ से डिस्क्लोज नहीं करूंगा जी, कुछ भी आप बेशक पूछ लीजिए। पर तो घर पे कौन कौन था? घर पे तो परिजन ही थे और इन्होंने जो बताया है वो हमने टेक डाउन करके उस पर FIR रजिस्टर कर रहे हैं। FSL टीम मेरी मौके पे है। बाकी DVR भी ले गए सर अपने सर? इन्वेस्टिगेशन के लिए आपसे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। बाकी जो भी है इनपुट और इन्फॉर्मेशन जितनी थी हमारे पास आ चुकी है, उसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करेंगे और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें हैं उसको हम नैप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल पुलिस जांच में तो जुट चुकी है, लेकिन देखना ये है कि पुलिस ऐसे बदमाशों पर कब शिकंजा कसती है और बदमाशों को गिरफ्तार कर